हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैश रेजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे आंसर की ऑन वर्कशीट प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वर्कशीट मैंने आपके लिए दी थी, आपने उसके ऊपर जरूर वर्क किया होगा और अभी आप अपने आंसर जो है वो टैली करने वाले होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वर्कशीट आपको यूजफुल लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपके जितने भी नंबर सही आते हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो चलो देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। सो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिट नंबर्स आर डैश नंबर्स, ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर डैश। नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? इन्यूमरेबल। अगला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ डैश इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसका सही जवाब है 0। नंबर्स डैश देन 0 आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। सो इसका आंसर है लेस देन। जो नंबर्स लेस देन 0 होते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन दैट रिप्रेजेंट 0 इज कॉल्ड द ओरिजिन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आपके ये सही जवाब जो है वो आपके सही आए होंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ पॉजिटिव नंबर्स। इसमें से हमें पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे जो है 4, 15, 21, 76 और 60। ये हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स। इसमें से हमें पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि जिन जिन नंबरों के आगे माइनस साइन है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, और जिन नंबरों के आगे कोई भी साइन नहीं है वो पॉजिटिव नंबर्स है। बराबर है? ये मैंने हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4 का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने सब एक्सप्लेनेशन दिया है। दोस्तों, अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 4 आप देख लेना। तो चलो इसमें से पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। 4, ठीक है, 15, 21, 76 और लास्ट में है 60, क्योंकि 60 के आगे जो भी नंबर है उनके आगे माइनस साइन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ नेगेटिव नंबर्स। अभी देखो दोस्तों कि जैसे पहले हमने पॉजिटिव नंबर निकाले हैं, अभी हमें नेगेटिव नंबर्स देखने हैं, मतलब जिन नंबरों के आगे माइनस साइन है वो है नेगेटिव नंबर्स। तो चलो देखते हैं कौन से हैं वो। -99, -45, -67, -56, -22, -90 और -39। तो ये है नेगेटिव नंबर्स। याद रखना दोस्तों, जिन नंबरों के आगे माइनस साइन होती है वो है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, राइट द अपोजिट नंबर ऑफ। अभी इन नंबरों के हमें अपोजिट लिखने हैं। हमें क्या करना है, नंबर एज इट इज लिखना है दोस्तों, बस हमारी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? देखो, जैसे कि यहाँ पे +6 है तो -6, -13 है तो यहाँ पे +13, -7 है तो यहाँ पे +7 होगा, +100 है तो यहाँ पे -100 होगा, -78 है तो यहाँ पे +78 होगा, और यहाँ पे 93 है, मतलब यहाँ पे साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इसे नेगेटिव नंबर में लिखना होगा, मतलब -93 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें, मैं यहाँ पे टी फॉर ट्रू लिखूंगी, एफ फॉर फॉल्स लिखूंगी। ठीक है, 9 इज अ पॉजिटिव इंटीजर,
और इसका सही जवाब है ट्रू। द अपोजिट ऑफ -78 इज 78 और इसका सही जवाब है ट्रू। जीरो इज अ नेगेटिव इंटीजर और इसका सही जवाब है फॉल्स। अगला सवाल है गोइंग अप 5 स्टेयर्स इज द अपोजिट ऑफ कमिंग डाउन -5 स्टेयर्स और ये फॉल्स है। अगला सवाल है इंटीजर्स आर यूजफुल टू शो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अकाउंट्स और ये है ट्रू। ठीक है तो दोस्तों ये थी आंसर की जो मैंने वर्कशीट प्रैक्टिस सेट 4 पे निकाली थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपके सब आंसर्स जो होंगे वो सभी आंसर्स आपके सही आए होंगे। आप मुझे कमेंट करके लिखो कि आपके कितने आंसर सही आए हैं और आपको और ज़्यादा वर्कशीट चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर भेजना। और हाँ दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सभी से और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।